एवरीवन, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये देखने जा रही हूँ कि जो जो भी पर्सन आपके मन में चल रहा है, क्या वो पर्सन भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना आप उनको करते हैं। ये नाइट की फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर्स की, क्योंकि नाइट में वीडियो अपलोड हो रहा है। ये मैं इसमें देखने जा रही हूँ, क्या आपके पार्टनर्स भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना आप अपने पार्टनर्स को मिस करते हैं। स्पेशली नाइट में क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, रात की भावनाएं क्या होती हैं उनकी आपके लिए। चाहे आपसे बातचीत हो रही है या ब्रेकअप हो चुका है, फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे रेजोनेट होगा आपके पर्सन रात को सिर्फ आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं लूँगी मैं, सिर्फ आपके लिए, आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। ठीक है, ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करके अपने आप को जोड़ लें इस चैनल से, ताकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएँ और मैं आपके लिए यूनिवर्स से कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, एनर्जी को ज़रूर रेजोनेट करें और हर हर महादेव, जय शिव शक्ति कमेंट ज़रूर किया करें। डेली बेसिस पे एक वीडियो सुबह, एक वीडियो शाम को, रात तक आपको मिल जाती है। ठीक है, वो ज़रूर देखा करें और 8:30-9 तक मैक्सिमम आ ही जाएगी। और इसके अलावा आप जो हैं शॉर्ट्स भी देखा करें, डेली बेसिस पे आप ही के लिए डल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा। कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप, जिनको भी मानते हैं, ताकि वो ईश्वर आप तक पहुंचे और आपको आपके पार्टनर से जोड़े। ठीक है, उनको ज़रूर याद किया करें कमेंट में। चलिए आइए देखते हैं रात को क्या सोचते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए। देखिए, रात को तो ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, थर्ड पार्टी को लेके ही कंफ्यूज रहते हैं और वहाँ पे स्टक फील करते हैं। आप लोगों के रिश्ते में ज़रूर कोई ऐसा जजमेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स को आपसे अलग किया गया है, ताकि वो आपकी वर्थ को समझ सकें, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितना स्पेस है वो समझ सकें। क्योंकि जब आप दोनों साथ में थे ना, तो ये कभी भी आपको उतनी वैल्यू नहीं करते थे जितना आप डिज़र्व करते हैं। हमेशा आपकी तरफ से कॉल्स जाना, हमेशा आपकी तरफ से मैसेजेस जाना, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, तभी बोल रही हूँ, हमेशा आपकी तरफ से रूट ना मनाना। अगर आप रूट भी गए तो भी आप ही मना रहे हैं, वो रूट गए तो भी आप ही मना रहे हैं। इसमें उनको कोई रोल नहीं था। ठीक है, उन्होंने कभी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया ही नहीं। मेरे को तो वन साइडेड लग रहा है, पूरा ये रिश्ता आपके दम पर खड़ा हुआ था। डिवाइन ये तमाशा 8-9 सालों से देख रहे थे। ठीक है, किसी किसी के लिए 10 साल भी हो सकते हैं, कम से कम मिनिमम यहाँ पे 9 साल वाले लोग तो हैं ही। ठीक है, किसी किसी के लिए अगर 1 या 2 साल का केस है तो उनसे थोड़ा रीडिंग कम रेजोनेट होगी। ठीक है, होगी, पर 98% उन लोगों से रेजोनेट होगी जिनके रिश्ते को कम से कम 5 साल तो हो ही गए हैं। ठीक है, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, तो 5 साल से भी ज़्यादा वाले लोग हैं, जैसे 6 साल 8 साल 10 साल ऐसे, और 2 साल वाले भी कुछ हैं, मैं मान रही हूँ 2 साल वाले भी कुछ होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ना 10-11 साल से या 2-3 साल से आप ही लोग रेफर्स डाल रहे हैं और आप ही लोगों की तरफ से ज़्यादा जा रहा है इन्वेस्टमेंट। और अब डिवाइन ने ब्रेकअप करवाया है इंटरफेयर करके, क्योंकि डिवाइन ये तमाशा देख रहे थे। अब उनको गुस्सा आ गया, उनको लगा यार एक ही मेरा बच्चा, एक उनके लिए तो हम सब बच्चे हैं, तो उनको लगा मेरा एक ही बच्चा इतना रो रहा है, तड़प रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं है, मैंने तो दोनों को बराबर बराबर दिया है, लेकिन दूसरा इसके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा। बने दोनों एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन एक ही को वैल्यू और दूसरे को नहीं है, तो ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। शिव और शक्ति दोनों को बैलेंस होना पड़ता है। आपको पता होगा जब माता पार्वती ने एक गलती की थी तो उनको भी फिर तपस्या करके दोबारा शिव को पाना पड़ा था। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं स्टोरी आपको फिर कभी सुनाऊंगी, शॉर्ट में बता देती हूँ। श्री राम जंगल में घूम रहे थे तो माता पार्वती ने उन पर शंका कर दी थी और शिव जी से कहा था क्या ये श्री राम ही है, अगर ये श्री राम ही है तो जंगल में कैसे भटक सकते हैं। तो शिव जी ने कहा देखो पार्वती डाउट मत करो, ये श्री राम जी हैं और ये जंगल में लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। जब उनको वनवास हुआ था, यहाँ पर कुछ राक्षस हैं, कुछ प्रेत हैं, कुछ ऐसे बुरे प्राणी हैं जिनको इनके हाथों उद्धार होना है, और उन्होंने इसकी डिमांड भी की है, वो इन्हीं के हाथों उद्धारित होंगे। फिर भी पार्वती जी नहीं मानी और वो सीता के रूप में खुद जाके श्री राम के आगे खड़ी हो गई और श्री राम जी ने उनको माता बोल के प्रणाम किया। तो पार्वती जी अपने असली रूप में आई और फिर माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं, मैंने विश्वास नहीं कि आपकी यह श्री राम ही है, लेकिन जब आपने मुझे पहचान लिया और माता बोला तो मैं समझ गई। क्योंकि सीता को तो वो माता बोलेंगे नहीं, वो समझ गए थे कि पार्वती जी हैं, मेरी सीता का रूप लेकर धारण करके मुझे भ्रमित करने आई हैं। ठीक है,
तो इसलिए फिर पार्वती जी से शिव जी नाराज़ हुए कि तुमने मेरे प्रभु, मेरे ईष्ट, जिनको मैं क्या है एक दूसरे के, शिव और राम, शिव और विष्णु एक दूसरे को हाँ आराध्य मानते हैं, तो आपने ऐसा किया तो अब आपको जो है मुझे पाने के लिए तप करना पड़ेगा। तो इसी तरह से अब आपके पार्टनर्स को तप करना पड़ रहा है। आप लोगों की तपस्या पूरी हो चुकी है, मुझे उनकी साइड से तपस्या दिख रही है। जब तक उनको आग में जला के सोना नहीं बनाया जाएगा ना आपके हिसाब से, तब तक आपका यूनियन मुश्किल है। यूनियन तो है लेकिन जब डिवाइन ब्लेसिंग होगी तभी। सबके डिवाइन टाइम अलग होते हैं तो मैं भी यहाँ पे कोई टाइम नहीं दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिवाइन टाइमिंग एक बार चेक कर लूँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आपके पार्टनर सबसे प्यार बहुत करते हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन है, डिवाइन जजमेंट है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए हैं, ठीक है। आइए आपके पार्टनर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपसे, ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं वो आपसे, लेट्स सी। रात को वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन जाते हैं और आपकी तरफ उनका मन करता है दौड़ के आके आपको अपने सीने से लगा लें। ये मैं नहीं बोल रही, आपके पार्टनर्स की इच्छा है, ठीक है। ये नाइट फीलिंग्स हैं लेकिन वो किसी जजमेंट को फेस कर रहे हैं, इसीलिए उनको डिवाइन आप तक आने नहीं दे रहे। आइए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है रात, अभी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स सी, जो भी कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सारे ही ठीक है, वही बात है इसमें, वही जो डिवाइन ने किया वही लिखा आ गया, वही कहना चाहते हैं वो आपसे। मुझे नहीं पता था पहले कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या इतनी प्यार करती हूँ, मेरे अंदर गहराई से इतना प्यार है, गहराई में मेरे इतना प्यार भरा पड़ा है तुम्हारे लिए। मतलब डिवाइन उनको अलग करके आपकी वर्थ समझा रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, उनके दिल में भी प्यार था लेकिन उन्होंने कभी आपको प्रपोज नहीं किया, कभी आपको दिखाया नहीं, हमेशा थर्ड पार्टी में बिजी रहे हैं यहाँ पे मोस्टली, इसीलिए अब उनको एहसास हो रहा है मैं कितना प्यार करता हूँ मैं, और कह रहे हैं आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, चाहे लड़का है लड़की है, जो भी है जेंडर वाइज आप देखिएगा, कह रहे हैं मैंने कभी किसी को इतना मिस नहीं किया जितना मैंने तुम्हें किया है, ठीक है। कभी मैंने कभी किसी के लिए इतनी फीलिंग फील ही नहीं की, तुमसे अलग होने के बाद तुम्हें जितना मिस कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मर ही जाऊँगा या मर ही जाऊँगी। वो कह रहे हैं होप, आप उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ पाओगे कि मेरी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रहा या कर पा रही, वो आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है। ही इज़ अनकम्प्लीट और शी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, और वो आपसे प्यार जताना चाहते हैं, वही मैंने कहा आपको सीने से लगा के गले लगा के हक करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनकी भावनाएँ हैं। और आपको कह रहे हैं कि आप अंदर और बाहरी तौर पे हर तरफ से बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, ऐसी उनकी भावनाएँ हैं कि आप दिल से भी अच्छे हैं और मन और दिल और आत्मा और शरीर से, मतलब रूप रंग में भी आप अच्छे दिखते हैं और मन से भी बहुत अच्छे हैं आप उनके लिए, ठीक है, ऐसा पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय शिव शक्ति, आप लोगों पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे, मुझ पर भी बना रहे, ठीक है, उनके लिए तो हम सभी छोटे बच्चे हैं। चलिए राधे राधे, गुड बाय, जय शिव शक्ति।